मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक मुस्लिम महिला के साथ बाजार में एक हिंदू लड़के को कुछ मुस्लिम युवकों ने पकड़ लिया और हिंदू लड़के के साथ इन लोगों ने जो है बदतमीजी भी की, गाली गलौज और मारपीट भी की। हालांकि पुलिस ने इस मामले में जो है कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मुरादाबाद शहर के भोजपुर थाना इलाके में बुर्का पहनी ये महिला जो है बाजार आई हुई थी और यहीं पर इसी के गांव का एक हिंदू लड़का भी मिल गया और ये दोनों बाइक से जा रहे थे खरीदी करके। इसी दौरान कुछ मुस्लिम युवक जो है इन दोनों को देख लिए और इनका जो है वीडियो बनाते हुए इनके साथ बदतमीजी वहाँ पर करने लगे। हालांकि ये जो मुस्लिम महिला है ये बार बार इन लोगों से कह रही है कि ये मेरे गाँव का है, मेरा पड़ोसी है, लेकिन ये बात सुनते ही जो मुस्लिम लड़के हैं वो भड़क गए। वो उल्टा महिला को ही कहने लगे कि तू मुसलमान है क्या, इसके साथ क्यों घूम रही है, तुझे कब्र में नहीं जाना है क्या, इस तरह की सब बातें ये लोग करते हुए महिला और जो हिंदू लड़का था दोनों के साथ जो है ये बदतमीजी वहाँ पर करने लगे। हालांकि इस महिला ने इस संदर्भ में पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई है कि बाजार में वो खरीदी करने के लिए आई थी, इसी दौरान उसके गांव का एक भाई बंधु मिला और खरीदी करके वापस वो उसी के बाइक पर बैठकर अपने घर जा रही थी, मगर तभी कुछ मुस्लिम लड़के पहुंचे और इन दोनों के साथ में जो है बदतमीजी करना शुरू कर दी। हालांकि पुलिस ने महिला की तहरीर पर कानूनी कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी करना अब शुरू कर दी। मीडिया में वायरल हुआ था युवती के साथ, क्या पूरा मामला था, इसमें क्या अरेस्ट हुआ? एक ट्विटर पे एक वीडियो ट्रेंड कर रहा था जिसमें एक लड़का लड़की साथ में कहीं जा रहे हैं, एक ही गांव के हैं, एक दो तीन लड़कों द्वारा उस लड़की के साथ वस्तु की जा रही थी, तो उसका संज्ञान लेकर पुलिस ने सर्च करने का मुकदमा पंजीकृत किया है जिसमें एक व्यक्ति अरेस्ट हो चुका है, उसको भेजा जा रहा है जेल और बाकी अन्य जो तीन व्यक्ति हैं वो फरार हैं, उनके लिए गिरफ्तारी है। थैंक यू।